हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा टैंक। मेडिसिन और हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक आयुर्वेदिक पेन किलर जेल के बारे में, यानी रुमालया जेल के बारे में। रुमालया जेल की क्या बेनिफिट्स है, क्या इसका साइड इफेक्ट्स है और किन किन प्रॉब्लम्स में आप इस जेल को लगा सकते हो, यही सब बातें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करता हूँ एक छोटा इंट्रो के बाद। रुमालया जेल हिमालय कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसकी एमआरपी की बात करें तो 36 ग्राम का ट्यूब आपको अराउंड 90 रुपीज़ में किसी भी केमिस्ट शॉप में आसानी से मिल जाएंगे। हिमालय एक रेपुटेड आयुर्वेदिक कंपनी है, इसलिए इस कंपनी का लगभग हर ब्रांड्स फार्मेसी में आसानी से मिल जाता है। रुमालया जेल ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन से भी ऑर्डर कर सकते हो। रुमालया जेल के कंटेंट की बात करें तो इसमें रहता है पुदीना, गंधपुरा का तेल, सराला, देवादारू, नीलगुंडी, सलाक्की और सुंथी। इन सभी इंग्रेडिएंट्स का बहुत ही अच्छा एनाल्जेसिक इफेक्ट है जो दर्द से तुरंत राहत दिलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं रुमालया जेल के बेनिफिट्स के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे अगले वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिले और आप मेरे वीडियोस को देख पाए। रुमालया जेल एक आयुर्वेदिक लिनिमेंट्स है। इस जेल को एज ए पेन किलर यूज किया जाता है। रुमालया जेल कमर दर्द में यूज किया जाता है। पीठ में दर्द होने पर भी इस जेल को लगाने दिया जाता है। पुरानी अंदरूनी चोट में यह जेल लगाने से काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मसल पेन में भी इस जेल को यूज किया जाता है। रुमालया जेल को जॉइंट्स पेन में होने वाले दर्द जैसे नी पेन, एल्बो पेन, रिस्ट पेन, एंकल पेन, शोल्डर पेन, इन सभी प्रॉब्लम्स में दिया जाता है। खेलकूद के दौरान हाथ या पैर में मोच आने पर भी इस जेल को आप लगा सकते हो। इन सभी प्रॉब्लम्स में रुमालया जेल काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते आए हैं। याद रखिएगा, रुमालया जेल को हमेशा एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है, हमेशा इसे बॉडी के ऊपरी हिस्सा में लगाने दिया जाता है। इस क्रीम को हमेशा बच्चों से दूर रखिएगा। याद रखिएगा, अगर शरीर में चोट लगने के कारण दर्द होने के साथ साथ खून भी निकल रहा है तो इस सिचुएशन में इस जेल को ना लगाइए। रुमालया जेल या किसी भी प्रकार के दूसरे लिनिमेंट्स को खून निकलने वाला एरिया में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि किसी भी लिनिमेंट्स को खून निकलने वाला एरिया में लगाने से ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रुमालया जेल की साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इस जेल की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। वैसे तो आप रुमालया जेल को विदाउट प्रेस्क्रिप्शन भी ले सकते हो, फिर भी आप किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट को कंसल्ट करके ही इस जेल को लीजिएगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कुछ डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आप दूसरे किसी मेडिसिन की रिव्यू चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, बी हेल्दी। बाय बाय।